क्या हाल चाल आप सबके। जय श्री राम सबको। कैसे हैं आप सभी। देखो आज मैं बात करने वाला हूं आपसे फुल डे डाइट प्लान के बजट के ऊपर। आप हर एक कोई डाइट प्लान कंप्लीट अफोर्ड नहीं कर पाता, उसका ध्यान जाता है प्रोटीन की तरफ। तो आप कोई सा भी प्रोटीन लेते हो मिनिमम कॉस्ट आती है 50 से 60 रुपये, है ना। तो उसमें आपको प्रोटीन मिलता है 22 से 25 ग्राम, और वो भी जेन्युइन क्वालिटी का नहीं होता, क्योंकि आजकल मार्केट में इतने सारे ब्रांड चल चुके हैं कि आपको 40 से 45 रुपये में भी एक स्कूप प्रोटीन मिल जाता है, बट उसमें इतना कचरा डाला होता है, आपकी हेल्थ को ख़राब करता है, आपका डाइजेशन ख़राब करता है, प्लस आपकी बॉडी की स्किन को ख़राब करता है। तो आज आपको मैं कंप्लीट पूरे दिन में कुछ प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, प्रोडक्ट इन द सेंस कुछ फूड बताने वाला हूँ जो आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड करने हैं। कॉस्ट आएगी उनकी 70 से 75 रुपये, ठीक है, और प्रोटीन मिल जाएगा आपको 100 ग्राम प्रोटीन अमाउंट बहुत होता है एक दिन के लिए। अगर आपका वेट 70 ग्राम है और आप मसल गेनिंग भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए 10 से 20 ग्राम प्रोटीन प्लस और करना पड़ेगा, पर कॉस्ट आती है सिर्फ 80 रुपये। जहां आप 60 से 65 रुपये सिर्फ एक स्कूप में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि आपको प्रोटीन मिलता है सिर्फ 25 ग्राम, और कहां आपको 80 ग्राम में प्रोटीन मिल जाएगा 100 ग्राम। अब मैं बताता हूं आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ऐड करनी है 50 ग्राम सोया चंक्स। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सोया चंक्स में खाने से ये हो जाता है, सोया चंक्स खाने से वो हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और सबसे बड़ी बात है बहुत कम कॉस्ट आती है। तो आप इसको ऐड करेंगे 50 ग्राम, इसकी लगभग कॉस्ट आती है 6 से 7 रुपये, प्रोटीन मिल जाता है आपको यहाँ पे 25 ग्राम। दूसरा आता है पनीर, आप पनीर को ऐड करेंगे 30 रुपये का पनीर लगभग 100 ग्राम आ जाता है, प्रोटीन मिल जाता है आपको 22 से 20 ग्राम के आसपास में। और आप पनीर को हो सके तो ट्राई करें अपने डिनर में ऐड करने की, क्योंकि पनीर में कैसीन प्रोटीन होता है जो रात भर आपकी बॉडी को एनर्जी देता रहेगा, आपकी बॉडी को प्रोटीन की सप्लाई देता रहेगा, जिससे जो आपकी बॉडी में एक तरीके से कैसीन प्रोटीन का काम करेगा। अब बारी आती है फिर बेसन की। बहुत सारे लोगों को बेसन ऐड करते ही नहीं है। मैं बताता हूँ, बेसन दालों से बना होता है, बेसन के अंदर लगभग आपको 20 से 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, कॉस्ट आती है इसके लगभग 10 रुपये 100 ग्राम के आसपास। तो आप बेसन को ऐड करेंगे। फिर बारी आती है पीनट्स, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ हेल्थी फैट एंड प्रोटीन। आप 10 रुपये का भी पीनट लेते हैं तो लगभग 100 ग्राम के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो आप इससे प्रोटीन मिल जाता है आपको 20 से 22 ग्राम के आसपास। अब मैं बात करने वाला हूँ दलिया की। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं दलिया क्या होता है। दलिया होता है ब्रोकन व्हीट। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में या अपने इसको पोस्ट वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं। दलिये का आता है 5 रुपये का, आता है लगभग 100 ग्राम, कॉस्ट आती है 5 रुपये का 100 ग्राम, प्रोटीन मिल जाता है आपको 15 से 16 ग्राम। समझे बात को आप। यहाँ मैं आपको प्रोटीन का अमाउंट 115 से 116 ले जा चुका हूँ। जहाँ मैंने आपको बोला था 100 ग्राम, वहाँ मैंने दलिया ऐड करके आपको प्रोटीन दे दिया 115 से 16 ग्राम। मतलब जो लोग गेनिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट एक फुल डे बजट आ जाएगा। उसके बाद आप ऐड करेंगे मिल्क। देखो मैंने यहाँ मिल्क की भी कॉस्ट लगाई है, बट एक्चुअली जब आप घर पर दूध पीते हो तो अपने माता पिता को पैसे नहीं देते दूध पीने के। अगर आप 10 रुपये का एक गिलास भी दूध ऐड करोगे 300 ml के आसपास, तो लगभग आपको प्रोटीन मिल जाएगा 10 से 12 ग्राम। अब अपने पास प्रोटीन हो गया है यहाँ पे, ये टोटल अमाउंट बैठेगी आपकी 116 ग्राम, कॉस्ट आएगी 85 रुपये। अब चॉइस आपकी है कि आपको सिर्फ 60 रुपये में 25 ग्राम प्रोटीन लेना है, वो भी डुप्लीकेट, जिससे आपका डाइजेशन ख़राब होता है, आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियाँ शुरू हो जाती है, या आता है 85 रुपये 85 रुपये के अंदर लगभग आपको 120 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जिसमें आपका डाइट का खर्चा भी निकल जाता है, आपकी फैमिली भी आपको अलाउ करती है, आपकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, आपको फाइबर्स भी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं आप जो पीनट ऐड करेंगे आपको फाइबर्स मिलेगा, प्लस आप जो अपना मिल्क ऐड करेंगे आपको कैल्शियम मिलेगा, आप पनीर ऐड करेंगे आपको कैल्शियम मिलने वाला है, जो कि आपको वे प्रोटीन से नहीं मिलता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अकाउंट को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अपने जल्दी से 10,000 कंप्लीट हो जाए। 10,000 कंप्लीट होने पे आप लोगों के लिए गिव अवे आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।